हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता ठाकुर, आज आपको मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की जो है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊँगी, जिसमें जो है, और मैं ये सिलेबस जो है आपको NCERT जो है प्लस वन टू की जो बुक्स है ओल्ड न्यू उससे करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अंग्रेज, ये 1600 में जो है इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी और 1947 तक भारत में रही, कंपनी के रूप में नहीं, तो बाद में जो है ये वायसराय प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पे रही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्या हुआ कि लंदन में जो है क्या है, आपको पता है कि भारत की खोज में पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पे आए भारत के रास्ते की खोज की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन की है उनको भी लगा कि नहीं भी, ब्रिटेन लंदन को भी लगा कि भी हाँ हमें भी मसालों की और भारत की जो है रास्ते की, मतलब भारत जाना चाहिए क्योंकि पुर्तगालियों को बहुत लाभ हो रहा था। तो 1599 में क्या हुआ कि यहाँ की व्यापारी कंपनियों की क्या हुई, एक गठन बना जिसमें जो है एक अध्यक्ष, एक व्यापारी ने अध्यक्षता की जिसका नाम लॉर्ड मेयर था। 1599 इसने जो है क्या है उन सभी कंपनियों का एक नाम रखा जिसका नाम है गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये इसका नाम रखा गया था। और कहा जाता है कि महारानी एलिजाबेथ उस समय जो है शासिका वहाँ पे ब्रिटेन में रही है, और उन्होंने क्या दिया कि एक जो है चार्टर एक्ट जो है क्या है पारित कर दिया अपने अपने जो है उसमें कॉमन हाउस में कि भाई ठीक है आपको 15 साल के लिए जो है पूर्व की तरफ व्यापार करने का आज्ञा पत्र मैं देती हूँ। और वह जो है सुमात्रा, मलेशिया, इस तरह से जो है 1600 में कहा जाता है कि ये सुमात्रा, इंडोनेशिया जिसे मसाला द्वीप मैंने पिछले उसमें करवाया था, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली भी डच, फिर अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। तो सबसे पहले जो है क्या है इसमें जो है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया इन व्यापारियों के लिए, 15 ईयर के लिए जो चार्टर एक्ट बनाया गया, इसमें एक डायरेक्टर होता था और सब डायरेक्टर होता था, सब निदेशक जिसे कहा जाता है उपनिदेशक, और 24 अन्य मेंबर्स होते थे और उनके देख रेख में जो है यहाँ पे एक व्यापारी कंपनी को भेजा गया। और इसमें सबसे पहले भारत आने वाला कैप्टन हॉकिंस था, उस समय शासक यहाँ पे कौन था, जहांगीर था। और जहांगीर के दरबार में जब ये आया तो इसको जो है दो भाषाओं का ज्ञान था, एक तो उसे तुर्की भाषा भी आती थी, दूसरी फारसी भी, जो फारसी क्या थी मुगलों की दरबार की भाषा थी। और इसने जो है फारसी में बातचीत करके जो है क्या है जहांगीर से परमिशन ले ली कि ठीक है मैं सूरत में जो है क्या है व्यापारी कोठी बनाना चाहता हूँ, शुरुआत कर ली। लेकिन पुर्तगाली इनके सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी थे तो उन्होंने वहाँ पे जो है उनकी कोठी स्थापित नहीं करने दी, और लोकल व्यापारी जो भारत के थे उन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भी हम भी यहाँ पे आपका व्यापार नहीं करने देते। तो जहांगीर को जो है क्या है ये परमिशन वापस लेनी पड़ी। और 1611 में कहा जाता है कि इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी जो है व्यापारी कोठी तैयार कर ली। और कहा भी जाता है कि हमारी बहुत बड़ी क्वेश्चन आ कि पहली फैक्ट्री कहां लगाई, तो सूरत में लगाई सूरत में, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। कंप्लीट कौन सी हुई थी, मुसलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मुसलीपट्टनम में जो इन्होंने क्या है पहली तैयार फैक्ट्री जो तैयार हो गई थी पूर्ण रूप से। और फिर दोबारा से जब टॉम्स रो 1615 में यहां आता है, सर टॉम्स रो जहांगीर के दरबार में जाता है, फिर से सूरत में जो है क्या ले लेता है, परमिशन ले लेता है, क्योंकि पुर्तगालियों से एक झड़प होती है जिसके कारण जो है किसकी, जहांगीर के व्यापारियों के, लोकल व्यापारियों की, जिससे खुश होकर जो है क्या है जहांगीर इनको क्या देता है, परमिशन दे देता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि आपको जो है पता होगा कि 16 जो है मुसलीपट्टनम जो है ये क्या है गोलकुंडा राज्य की, गोलकुंडा शासक आपको पता है, गोलकुंडा का गोल गुंबज भी आपको पता होगा, तो नहीं है तो आप सुन लो। 1611 में मुसलीपट्टनम में जो है क्या है ये बंदरगाह रही है, और मुसलीपट्टनम जो है गोलकुंडा की ही क्या रही है, पोर्ट रही है, बंदरगाह रही है। 1632 में क्या हुआ कि गोलकुंडा का जो लोकल शासक था इसने क्या किया, इनको एक गोल्डन फरमान, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन फरमान जारी किया, कहा कि ठीक है भाई तुम हमारे यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे बंदरगाह में कोठी भी स्थापित कर ली है, तो आप क्या करेंगे कि भाई हाँ यहाँ से जो है क्या है आप हमें 500 रुपये पेगोड़ा दो, पेगोड़ा जो उनकी करेंसी थी, और बाकी आप साल भर जो है आराम से यहाँ पे व्यापार करते रहो। तो सबसे बड़ी गलती जो है गोलकुंडा के शासक ने की, भारत में इनके पाँव जमाने की सबसे पहली कोशिश कहाँ रही है, यहाँ पे रही है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन फरमान किसने जारी किया था, गोलकुंडा के शासक ने किया था
1639 में फ्रांसीसी दे अधिकारी आया और चंद्रगिरी के शासक कहाँ, मद्रास में पहली व्यापारी किलेबंदी। आपको पता है कि एक कोठी होती है और उसके चारों तरफ किलेबंदी करना, पूर्ण रूप से जो है जिसको सुरक्षित रखना, पहली लीज पे ली गई थी, ये किराए पे ली गई थी। तो अंग्रेजों की पहली लीज पे ली गई मतलब पूर्ण रूप से जो है क्या है जो किलाबंदी है वो पूरी तरह से जो है क्या है दीवारों से घिरी हुई, तो कहाँ पे थी, मद्रास में। कई बार पूछा गया है कि मद्रास में पहली कोठी इन्होंने चंद्रगिरी के शासक जो है किसने ली थी, एक अधिकारी था जिसका नाम था फ्रांसीसी डे। फ्रांसीसी कंपनी है लेकिन ये फ्रांसीसी डे जो है क्या है ये अधिकारी ब्रिटिशर का था, इसने मद्रास में जो है क्या है पहली पहली जो है क्या की थी, यहाँ पे लिखा उन्होंने फर्स्ट किलेबंदी कोठी बनाई थी। 1651 में इन्होंने हुगली पे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ इन्होंने मतलब व्यापारी कोठी बनाई थी। और 1661 में क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय उस समय जो है क्या है राजकुमार थे ब्रिटेन के, और इनके जो है सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे वो पुर्तगाली थे। तो इन चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा से जो है 1661 में इनकी शादी होती है, और उसको क्या दिया जाता है दहेज के रूप में मुंबई द्वीप, जिसमें पुर्तगालियों का क्या होता है शासन मतलब अधिकार होता है, मुंबई द्वीप इसको दिया जाता है। तो अब वो खुद तो यहाँ आके उसके ऊपर कब्जा नहीं मतलब व्यापार नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उनको जो है क्या किया कि भी तुम मुझे 10 पाउंड सालाना दिया करो। पाउंड किसकी करेंसी, इन इंग्लैंड की जो है करेंसी है वो क्या है, ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पाउंड है। तो ये उन्होंने कहा कि 10 पाउंड मुझे सालाना दिया करना, बाकी आप व्यापार वहां पे करते रहो। तो इस तरह से जो है 1661 में सबसे बड़ी भूल कहा जाती है। और वहां पे जो है क्या अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था गेरार्ड ओंगेरो, इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि हाँ किसने जो है बंबई की स्थापना की, तो गेरार्ड ओंगेरो को माना जाता है। और यहाँ पे जो है ये जो है व्यापारिक कंपनी का एक अधिकारी था 1669 से 1777 में, ठीक है। हुगली कासिम बाजार पटना राजमहल में इन्होंने कारखाने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अब क्या हुआ कि अन्य जो कंपनी थी ये एक ही कंपनी थी लेकिन अन्य भी बहुत सारी कंपनियां थी ब्रिटेन में, उनको भी लगा जैसे हमारे यहाँ टाटा बिरला है, अंबुजा है, मतलब रिलायंस है, ये सारी कंपनियां जो है क्या है मतलब एक दूसरे की कंपटीटर, उनको लगा कि उनको बहुत फायदा हो रहा है भारत में आने के लिए। इनको ये जो कंपनी बनी हुई थी द ग्वालर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन इन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था ये देख के जो है वहाँ पे क्या किया, कॉमन हाउस में बैठक बुलाई गई। कॉमन हाउस किसे कहा जाता है, संसद को, जैसे हमारे यहाँ संसद में राज्यसभा लोकसभा है उस तरह से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि संसद बिठाई गई और उसमें एक क्या किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ठीक है भाई दो और कंपनी है जिनको हम परमिशन देते हैं कहाँ, पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए, वो कौन सी है, जनरल सोसाइटी, और दूसरी जो है एक जनरल सोसाइटी नाम और दूसरी कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। इन दोनों को जो है 1708 में क्या करा दिया गया, विलय करा दिया। तो इसका नाम बदल कर क्या रखा गया 1708 में, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम रखा गया, जिसका जो है कब तक 1833 के एक्ट तक यही नाम रहता है। और 1833 में जो है एक एक्ट आता है जिसके तहत इसका नाम क्या रख दिया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कब रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम, 1833 के एक्ट के अनुसार, एक्ट चार्टर एक्ट के अनुसार। चार्टर क्या होता है, आदेश पत्र होता है कि भाई हाँ तुम्हें आदेश दिया जाता है या फिर तुम्हें कोई मतलब ये दिया जाता है कि हाँ तुम ये काम करो और तुम्हारा नाम अब से ये है, ठीक है। तो 1833 में इसका नाम जो है क्या है चार्टर एक्ट रखा गया जिसका नाम बदल कर क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे BEIC के नाम से जाना जाता है। BEIC मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। 1680 में क्या हुआ कि औरंगजेब ने जो है क्या कर दिया सबसे मतलब अब जो है यहाँ पे बंगाल में प्रारंभिक पॉलिटिकल, अब बंगाल को मैंने कहा भी पहले भी कहा है कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है आज भी कामधेनु गाय की तरह है जो कि हमें क्या देता है जितना मतलब इनके भी मुंह जो है कामधेनु गाय लग गई थी, जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते थे यहाँ पे, वो हर जो है विदेशी यूरोपीय जो कंपनियाँ हैं बंगाल में अपना क्या है व्यापारिक कोठी बनाना चाहती थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि आज भी अगर वहाँ पे इतना अन्न धन उगता है कि पूरे भारत को आराम से खाना प्राप्त हो सकता है, मतलब इतना धान्य है, क्योंकि उसमें बांग्लादेश और बंगाल उड़ीसा बिहार सबको जो है क्या कहा जाता है बंगाल कहा जाता था, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी तो बंगाल में प्रारंभिक एक्टिविटी जो होती है 1651 से होती है। 1651 में कहा जाता है कि शाह शुजा, आपको पता होगा कि
जो मुगल शासक रहा है जो शाहजहां रहा है, शाहजहां के चार पुत्र थे, दारा, शिको और शाह शुजा और औरंगजेब। इनमें से शाह शुजा जो है बंगाल का गवर्नर होता है, औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर होता है। तो शाह शुजा ने क्या किया कि एक बार वो बीमार थे, पीड़ित थे, उनके दरबार में क्या है ब्रिटिश जो है एक हैमिल्टन नामक जो है तो वहाँ पे एक मतलब एक चिकित्सक रहता था, गार्बियन बॉटम जो है चिकित्सक था, उसने उसकी बीमारी से इलाज कराया। तो खुश होकर उसने क्या किया, उनको व्यापारिक छूट दे दी कि भी हाँ ठीक है तुम जो है क्या करोगे, हमें जो है क्या करोगे 3,000 रुपये वार्षिक कर देना और बंगाल बिहार उड़ीसा में जाके तुम क्या है आराम से व्यापार कर सकते हो और तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं, सिर्फ 3,000 मुझे जो है शाह शुजा को क्या दे देने वो टैक्स दे देना है। तो 1680 में क्या किया, औरंगजेब ने भी कहा कि ठीक है भाई, उनके दरबार में भी दो जो है मिशन जाते हैं, मैं अभी आगे कराऊंगी। 1680 में औरंगजेब ने कहा कि ठीक है तुमसे अन्य कर नहीं लिया जाएगा, जो 2% तुमसे कर जो शासक लेता था दिल्ली में बैठा औरंगजेब, तो उसने कहा कि 2% कर 1680 में, क्योंकि आपको पता है 1664 में मैंने आपको बताया था कि डचों को भी उन्होंने क्या किया था 1664 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में जो है क्या है व्यापार करने की परमिशन दी थी, और 1680 में किसे दे दी, अब ब्रिटिशर्स को दे दी कि 2% जो टैक्स तुम देते हो और 1.5% आप हमें क्या देंगे, जजिया कर देंगे। जजिया कर किसे लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था, ये टैक्स उनसे वसूलना था, मीन 3.5, उनसे भी 3.5 ही लेते थे, इनसे भी यही थे, ठीक है। तो का मतलब क्या दे दिया, फरमान दे दिया। और अक्टूबर 1686 में कहा जाता है कि हुगली में लूट मची, अंग्रेजों ने लूट की। आपको अगर जॉन चाइल्ड के नाम से याद होगा कि जॉन चाइल्ड नहीं है तो मैं बताना चाहूंगी, जॉन चाइल्ड नामक एक व्यक्ति था, अधिकारी था, उसने क्या किया हुगली नदी पे व्यापारिक लूट मचाई, जिसके कारण औरंगजेब को पता चला तो उसने वहां के युद्ध किया और उसको भगा, वहां से अंग्रेजों को भगाया कि तुम भागो यहां से, तुमने तो हद ही कर दी है। तो क्या है ये जॉन चाइल्ड जो है, इसके दरबार में कई बार ये क्वेश्चन जो है लेक्चरशिप में भी पूछा गया, एलाइड में भी, तो कौन था, जॉन चाइल्ड था। और ये बाद में माफी मांगता है कि नहीं मेरे से भूल होगी, तो औरंगजेब इसे बोलता है कि जाओ और तुम अपने क्या नाम के जो है यहाँ भारत में नहीं रहोगे। तो जो मतलब 1686 में जो है मुठभेड़ होती है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कलकत्ता में पहला जिसे जो है कलकत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एचपी बोर्ड में, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं, कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो जॉब चार्नक ने, जबकि मैंने बताया कि बंबई द्वीप की किसने की थी, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गेरार्ड ओंगियर को माना जाता है। गेरार्ड ओंगियर कौन है, बंबई के संस्थापक है, जबकि जॉब चार्नक जो है कलकत्ता के संस्थापक है। और इस तरह से जॉब चार्नक ने जो है क्या की, सुत्ता नदी जहाँ जो है आपको मैंने बताया था डेनिश कंपनी आगे सुत्ता नदी में आती है, जिसे जो है क्या होता है, सुत्ता नदी कहाँ है, बंगाल में, वहाँ पे अधिकार कर लेता है, अधिकार करने के लिए वहाँ पे किलाबंदी कर लेता है। और जो कहा जाता है कि मूल रूप से भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ गई थी जॉब चार्नक के काल में। और कहा भी जाता है कि कब से कब तक जो है कलकत्ता किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या रही है, कैपिटल रही है, तो 1774 से लेकर कब तक, 1911 तक। और 1911 में दिल्ली बन गई थी, तो 1774 क्योंकि 1911 सभी को पता है कि दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल जो है ले गए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन 1774 में जो है पहली बार ये क्या बनी उसकी आप लोग को याद रखना है कि ये भावी राजधानी कलकत्ता जो है किसकी रही है। और फोर्ट विलियम क्यों कहा जाता था इस सम्राट को, क्योंकि आपको पता है कि विलियम जो है उनके शासक थे उस दौरान, और फोर्ट विलियम जो है जो किला है कहाँ, कलकत्ता में, जिसे जो बाद में उसको राजधानी के रूप में जो है पूरा कलकत्ता को माना जाता है, वहाँ पे इन्होंने पहली स्थापना की थी किसके काल में, जॉब चार्नक जो उनका व्यापारी था। तो उस दौरान जो है 1774 से लेकर 1911 तक ये वहाँ की भावी कैपिटल रही है ब्रिटिश। और मिशन दो भेजे गए 1698 में विलियम थर्ड के काल में, विलियम थर्ड जो है वहाँ का महाराजा था, नोरिश एक व्यापारी था उसके संगठन में, औरंगजेब के दरबार में भेजा था। दूसरा मिशन जो है जॉन सरमन मिशन 1715 में भेजा, आपको पता होगा फर्रुखसियार जिसने बंदा बहादुर को मारा था दिल्ली में, आपको पता होगा उसको जो है बंदा बहादुर को किसने 1716 में जो है हत्या की थी, ये इसी फर्रुखसियार ने की थी जो कि मुगल शासक उत्तराधिकारी मुगल शासक है। और इसने क्या किया कि एक जो है क्या किया, सबसे बड़ी जो भूल है इसी के काल में होती है कि इसने क्या किया कि इसमें जो है जो जॉन फरमान है इसने
यहाँ पे फरकुसिया के दरबार में दिल्ली जो है क्या भेजा, एक गठन भेजा, मतलब एक समूह भेजा, जिसको औरंगजेब द्वारा जितने भी जारी उनको विशेष अधिकार दिए गए थे उनको बनाए रखने के लिए परमिशन मांगनी चाहिए। तो इसने क्या किया कि फरकुसिया जो है एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है दर्दनाक बीमारी से, किसी बीमारी से जूझ रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए एक हैमिल्टन नामक किसी मिशन में गया था। उसने जो है क्या है चिकित्सक भी था और उसने उसका इलाज कराया, जिससे खुश होकर उसकी जान बच गई थी। मतलब इतनी स्थिति खराब थी कि उसकी जो है जान निकलने के लिए निकलने वाली थी। और इसी के साथ में जो है क्या किया कि फरकुसिया ने जो हैमिल्टन था इसकी बीमारी से बचाया। 1717 में शाही फरमान, बड़ा पूछा जाता है, एक गोल्डन फरमान जो कि 500 पेगोडा के रूप में गोलकुंडा ने दिया था। दूसरा ये परमिशन जो है 1717 में जारी की गई थी। इसमें पॉइंट में थोड़ा सा डीपली बताना चाहूंगी, एलाइड है या एच एस है या नेट सेट है, इसमें पूछा जाता है। तो इसमें क्या दिया गया था शाही फरमान में, पहला पॉइंट क्या गया था कि बंगाल को मुक्त व्यापार कर दिया गया, कि वो 3000 वार्षिक कर दें और उसके बदले में बंगाल में जितना मर्जी टैक्स वसूले वो कर सकते हैं ब्रिटिशर्स। 10,000 रुपये में जो है ईयरली वो टैक्स दें, कहाँ से, सूरत से, और बाकी वहाँ पे वो क्या है मुक्त व्यापार कर सकते हैं, अन्य कोई कर नहीं उनके ऊपर लगेगा। तीसरी जो कंपनी की होती डेनिश और तीसरा जो पॉइंट था उनका उसमें शाही फरमान में, बम्बई में जो है कंपनी क्या करती थी, अपने सिक्के, अपनी कंपनी के नाम के सिक्के ढालती थी, जो कहीं पर भी जितना भी मुगल शासक है वहाँ पे मतलब शासन रहा है उस क्षेत्र में वो क्या है उसके माध्यम से वो क्या कर सकते थे, एक्सचेंज करेंसी जो है उसी के माध्यम से वो व्यापार कर सकते थे, जो उन्होंने खुद के सिक्के बनाए थे यहाँ पे बम्बई में और पूरे क्षेत्र में जो कर सकते थे। तो आगे जो है मैं छोटी सी डेनिश के बारे में और फ्रांसीसी के बारे में जो है लास्ट वीडियो में आपको यूरोपीय कंपनियों के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने थोड़ा जल्दी में बताया है क्योंकि आप अगर बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो इससे डीप और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता जो कंपनियों के बारे में। तो थैंक यू, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।